आप सभी सर्वर के बारे में तो जानते ही होंगे। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें इंटरनेट पर मौजूद सभी जानकारी स्टोर होकर रहती है। हम जो भी इंफॉर्मेशन वेब ब्राउजर से सर्च करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन ऐसे ही किसी सर्वर से हमारे डिवाइस तक पहुंचती है। आज भी हम ऐसे ही एक सर्वर के बारे में बताने वाले हैं जो दूसरे सर्वर से बिल्कुल अलग है। अक्सर आपने देखा होगा कि कई सारे स्कूल्स, कॉलेज या ऑफिसेज में बहुत से वेबसाइट ब्लॉक कर दी जाती हैं, और कई वेबसाइट तो ऐसी भी होती हैं जिन्हें कुछ देशों में एक्सेस करने की अनुमति भी नहीं दी जाती। तो ऐसे में इंटरनेट की कम जानकारी होने की वजह से बहुत से लोग इन ब्लॉक किए गए वेबसाइट्स को एक्सेस नहीं कर पाते। लेकिन कुछ इंटरनेट यूजर्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें पता होता है कि किसी भी ब्लॉक्ड वेबसाइट को एक्सेस कैसे करना है, और ये काम वो बड़े ही आसानी से कर लेते हैं। असल में ये सारा खेल एक खास सर्वर का होता है जिसकी मदद से हम और आप किसी भी तरह की वेबसाइट से जानकारी पा सकते हैं। इस सर्वर का नाम है प्रॉक्सी सर्वर, जिसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपको प्रॉक्सी सर्वर से जुड़ी सभी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि कभी ना कभी ये जानकारी आपके काम जरूर आएंगी। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रॉक्सी सर्वर होता क्या है। प्रॉक्सी सर्वर हमारे और इंटरनेट के बीच एक ब्रिज की तरह होता है जो यूजर को इंटरनेट की दुनिया के साथ जोड़ता है। प्रॉक्सी सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो क्लाइंट और इंटरनेट के बीच गेटवे यानी मुख्य द्वार की तरह कार्य करता है। प्रॉक्सी शब्द का मतलब होता है किसी दूसरे को प्रस्तुत करना या फिर किसी दूसरे की तरफ से कार्य करना। प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट की तरफ से इंटरनेट पर रिक्वेस्ट भेजता है और क्लाइंट तक इंफॉर्मेशन भेजता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंटरनेट पर हर कंप्यूटर के लिए एक विशिष्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल पता यानी कि आईपी एड्रेस मौजूद होता है। आईपी एड्रेस को इस तरह से आप समझ सकते हैं जैसे आपके घर का एक एड्रेस होता है जहां पर आपके नाम का लेटर या कोई पैकेज आपके एड्रेस पर डिलीवर होता है। उसी तरह इंटरनेट से डेटा को आपके डिवाइस तक पहुंचाने के लिए आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। इस आईपी एड्रेस की वजह से इंटरनेट से आपके डिवाइस की लोकेशन का भी पता चल सकता है। बहुत से लोग प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल अपने कंप्यूटर के आईपी एड्रेस को छुपाने के लिए करते हैं। जब आप इंटरनेट पर सर्फ करने के लिए अपने ब्राउजर का उपयोग करते हैं तो आप उस वेबसाइट से सीधे जुड़ जाएंगे जिस पर आप जा रहे हैं, लेकिन प्रॉक्सी सर्वर आपकी ओर से अन्य आईपी एड्रेस का इस्तेमाल कर वेबसाइटों के साथ संवाद करते हैं और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं जिससे आपके डिवाइस का आईपी एड्रेस छुप जाता है। इसका मतलब है कि हम वेबसाइट को अपने कंप्यूटर सिस्टम या अन्य डिवाइस पर देख तो सकते हैं, लेकिन वेबसाइट के सर्वर से जुड़ने वाली सिस्टम कोई और ही होती है जिसे प्रॉक्सी सर्वर कहा जाता है। इस सर्वर की मदद से हम किसी वेबसाइट को सीधे अपने कंप्यूटर से एक्सेस ना करके प्रॉक्सी सर्वर के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि प्रॉक्सी सर्वर काम कैसे करता है। प्रॉक्सी सर्वर यूजर और वेबसाइट के सर्वर के बीच एक माध्यम का काम करता है। जब यूजर को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो वेब ब्राउजर पे किसी वेब पेज या वेबसाइट को सर्च करता है। यूजर का ये रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर से होते हुए वेबसाइट्स के सर्वर तक पहुंचता है, और फिर वेबसाइट का सर्वर प्रॉक्सी से आए हुए रिक्वेस्ट के आधार पर कॉन्टेंट या फाइल को प्रॉक्सी सर्वर पर भेजता है। फिर प्रॉक्सी सर्वर से यूजर के डिवाइस पर इंफॉर्मेशन भेज दी जाती है, यानी कि यूजर जब भी कोई रिक्वेस्ट भेजता है तो वो डायरेक्टली वेबसाइट्स के सर्वर पर नहीं जाती, बल्कि सर्वर पर जाने से पहले वो प्रॉक्सी सर्वर पर जाती है और फिर वो रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर से मेन वेब सर्वर तक जाती है। इस तरह वेब सर्वर भी डायरेक्टली क्लाइंट को डेटा भेजने के बजाय पहले प्रॉक्सी सर्वर को डेटा भेजता है। अगर सरल शब्दों में कहें तो यूजर को इंटरनेट से डेटा इनडायरेक्ट तरीके से मिल रहा होता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर यूजर डायरेक्टली वेबसाइट से डेटा एक्सेस कर सकता है तो यहाँ पर प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग क्यों किया जा रहा है। असल में प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल ब्लॉक्ड वेबसाइट्स को खोलने के लिए किया जाता है। साथ ही प्रॉक्सी सर्वर यूजर को सिक्योरिटी से जुड़ी सुविधाएं भी प्रदान करती है। आमतौर पर प्रॉक्सी सर्वर का काम आपकी पहचान को गोपनीय रखते हुए आपके द्वारा मांगी गई जानकारी को आपके सामने प्रदर्शित करना है। तो चलिए आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। जैसा कि हमने आपको वीडियो में पहले भी बताया कि इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटर्स का अपना अपना यूनिक आईपी एड्रेस होता है जिसके जरिए इंटरनेट को ये पता चल पाता है कि कौन सा कंप्यूटर किस लोकेशन पर स्थित है, ताकि सही डेटा सही कंप्यूटर तक पहुंचाया जा सके।
प्रॉक्सी सर्वर भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही होता है, जिसका खुद का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। तो जब भी यूजर को इंटरनेट से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो उसके लिए आपका डिवाइस सबसे पहले प्रॉक्सी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और प्रॉक्सी सर्वर यूजर के रिक्वेस्ट को उस डेस्टिनेशन सर्वर को भेज देता है जहां पर वो इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। यूजर के कंप्यूटर और सर्वर के बीच सीधे तौर पर कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, इसीलिए सर्वर को यूजर की आईपी एड्रेस का पता नहीं चल पाता। इससे यूजर के सिस्टम की पहचान छुप जाती है। इस तरह से प्रॉक्सी सर्वर सिक्योरिटी की सुविधा प्रदान करता है। अब बात करते हैं कि ब्लॉक्ड वेबसाइट को खोलने में प्रॉक्सी सर्वर की क्या भूमिका होती है। किसी किसी देश में या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। आप जितने भी कोशिश कर ले, आप उस ब्लॉक्ड वेबसाइट को अपने सिस्टम में खोलकर नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर आप प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करके ब्लॉक्ड वेबसाइट को खोलने की कोशिश करेंगे, तो आप आसानी से उनके कंटेंट्स को देख पाएंगे। जब आप किसी ब्लॉक वेबसाइट को प्रॉक्सी सर्वर के जरिए खोलते हैं, तो इंटरनेट पर आपका आईपी एड्रेस छुपा दिया जाता है और उसकी जगह एक ऐसा आईपी एड्रेस दर्शा दिया जाता है जिस पर वो वेबसाइट्स ब्लॉक्ड ना हो। इस तरह से आप अपने डिवाइस से ब्लॉक वेबसाइट्स को खोल पाते हैं। अगर आप कोई ब्लॉक वेबसाइट को खोलना चाहते हैं, तो आपको अपने ब्राउजर पे जाकर फ्री प्रॉक्सी सर्वर लिस्ट टाइप करना है और आपको हजारों ऐसे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहां से आपको फ्री प्रॉक्सी सर्वर्स की लिस्ट मिल जाएगी। उनमें से एक प्रॉक्सी सर्वर को सिलेक्ट कर आपको ओपन करके सर्च बॉक्स पर ब्लॉक वेबसाइट का यूआरएल टाइप कीजिए और एंटर पर प्रेस करते ही आपका सर्च किया हुआ वेबसाइट ओपन हो जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं कि प्रॉक्सी सर्वर के क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला फायदा ये है कि प्रॉक्सी सर्वर को कैचिंग के लिए उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि जब कोई यूजर किसी इंफॉर्मेशन को प्रॉक्सी सर्वर के जरिए एक्सेस करता है, तो सर्वर उस इंफॉर्मेशन को सेव कर लेता है ताकि जब कोई दूसरा यूजर उसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है, तो सर्वर अपने एक में से ही उस इंफॉर्मेशन को यूजर को दे देता है। इससे एक और फायदा होता है कि इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की स्पीड बढ़ जाती है। नंबर दो, प्रॉक्सी सर्वर आईपी एड्रेस को छुपा देता है। इससे यूजर की पहचान इंटरनेट से भी छुप जाती है। यदि आप किसी वेबसाइट को डायरेक्टली अपने कंप्यूटर से एक्सेस करते हैं, तो आपका आईपी एड्रेस और कुछ अन्य डिटेल्स वेब सर्वर में पहुंच जाती है। लेकिन प्रॉक्सी की मदद से इंटरनेट में जो भी सिस्टम की इंफॉर्मेशन जाती है, वो प्रॉक्सी सर्वर की होती है, जिससे यूजर की आइडेंटिटी और नेटवर्क दोनों सुरक्षित हो जाते हैं और इससे उन हैकर्स का भी खतरा नहीं होता जो आपके सिस्टम के इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। नंबर तीन, प्रॉक्सी सर्वर के द्वारा ब्लॉक्ड वेबसाइट्स को खोला भी जा सकता है और यूजर की रिक्वेस्ट पर किसी वेबसाइट को ब्लॉक भी किया जा सकता है। अगर यूजर किसी वेबसाइट का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, तो वो उसे प्रॉक्सी सर्वर के द्वारा ब्लॉक कर सकता है। जैसे कुछ माता पिता होते हैं जो ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे इंटरनेट पर कुछ भी गलत देखें या सीखें, इसीलिए वो प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए करते हैं। नंबर चार, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने सर्वर हैक होने और डेटा थेफ्ट होने का खतरा हमेशा बना रहता है। इस मामले में प्रॉक्सी सर्वर काफी हद तक सुरक्षा प्रदान करता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉक्सी सर्वर की मदद से क्लाइंट और सर्वर के बीच हो रहे कम्युनिकेशन को एनक्रिप्ट कर सकती है, जिससे कोई थर्ड पार्टी डेटा को रीड ना कर सके। हैकर्स आपके प्रॉक्सी सर्वर तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन आपके रियल सर्वर जहां पर सारा डेटा स्टोर होता है, वहां पहुंचने में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको प्रॉक्सी सर्वर से जुड़ी सभी जानकारी वीडियो में मिल गई होंगी। आपको इससे ये भी पता चल गया होगा कि प्रॉक्सी सर्वर काम कैसे करता है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं। तो अगर आप भी कभी ब्लॉक वेबसाइट्स को खोलना चाहते हैं, तो आप प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करके उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से जुड़ी कोई भी परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम आपकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर कर सके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।